नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा पूछे वाले सवालों में से एक तो है लव मैरिज इंडिकेशंस और दूसरा है कैरियर इंडिकेशंस। तो लव मैरिज इंडिकेशंस के ऊपर तो काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ, उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैरियर इंडिकेशंस, कैरियर प्रेडिक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस काफ़ी आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं मेरे पास, तो सोचा चलो आज आपको बताता हूँ। तो आज आपको ISPCS और मेडिकल से रिलेटेड कुछ नौकरियों के इंडिकेशंस मैं आपको हाथ में बताने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को देखिएगा। और ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी ही इसका मिल जाएगा। देखिए, अगर हम हाथ की बात करें तो सैंपल पाम में हमेशा की तरह इस बार फिर से ले रहा हूँ। और अगर हम बात करें कैरियर से रिलेटेड, तो कैरियर से रिलेटेड में जुपिटर और आपका बुध की बहुत ही ज़्यादा, और साथ साथ आपके जो हमारा सन है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपके बुध पर्वत पर तीन आड़ी रेखाएं हैं और आपका जो माइंड लाइन है, जिसे आप हेडलाइन भी बोलते हो, काफ़ी लंबी है, और आपकी जो हार्ट लाइन है वो भी काफ़ी लंबी है, और आपके जो लाइफ लाइन है उसमें भी कोई ज़्यादा कट नहीं है, साथ ही साथ आपके जो भाग्य रेखा है वो आपकी शुरुआत में मोटी है और बीच फिर बाद में पतली है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि उन लोगों के बुध पर्वत भी आपका अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उनका जुपिटर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप किसी डॉक्टर का अगर हाथ देखेंगे तो हो सकता है वो आड़ी रेखाएं आपको ना मिले, क्योंकि आड़ी रेखाएं हर आदमी के, हर डॉक्टर के हाथ में नहीं होती, क्योंकि तो जो लोग वीडियो देखते हैं वो कई बार मैसेज करते हैं, तो उसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी इंडिकेशंस तो मौजूद नहीं होती, लेकिन जिनकी माइंड लाइन बहुत लंबी होगी और जिनकी हार्ट लाइन लंबी होगी, साथ ही साथ उन पर कोई कट नहीं होगा, वो बिल्कुल निर्दोष होंगी, मतलब कोई उनमें प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं होगी, सीधी होगी, वो लोगों के हाथ में मेडिकल में या कहूँ साइंस में उनकी दिलचस्पी काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं ISPCS की। तो ISPCS के लिए अगर आपका जुपिटर का माउंट, जो कि ये माउंट है, ये आपका बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपका सूर्य का पर्वत बहुत स्ट्रांग है, मतलब उभरा हुआ है, डेवलप स्टेज में है, साथ ही साथ जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है, काफ़ी लंबी जीवन रेखा है और चमकदार गाढ़ी जीवन रेखा है, क्योंकि जीवन रेखा जो है वो काफ़ी हद तक बहुत से लोगों के हाथ में देखते हैं हम लोग कि थोड़ी महीन सी होती है, तो महीन नहीं होनी चाहिए, साथ ही वो बहुत अच्छी गोला गोल लिए हुए, जैसे इसमें पूरा गोल लिया हुआ, जैसे ये यहाँ से चली और आपका गोलाई में हो, गोलाई में हो, और साथ ही साथ आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से निकलकर सीधी आपकी शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही हो, या जो है, और उसके साथ साथ जो मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन है आपकी, वो या तो पूरी यहाँ तक आ रही हो ना, नीचे तक आ रही हो, साथ ही साथ वो डबल हो, किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा जो होती हैं वो डबल होती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो डिप्लोमेसी में और जो ISPCS वगैरह की जो अधिकारी वाली रैंक होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़िया उनके लिए रहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका सूर्य बहुत बढ़िया है और आपका जुपिटर बहुत बढ़िया है, तो आप ये मान के चलें कि आप अधिकारी रैंक की जो जॉब्स होती हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सूर्य का यहाँ पर बलवान होने का जो यहाँ मीन है वो ये है कि अगर आपका सूर्य बलवान रहेगा, सूर्य का जो पर्वत है वो बलवान रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते आपके पापा से भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर सूर्य बलवान नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपके पापा से अपने जो है मतभेद जो है वो चलते रहते हैं। तो आज मैंने सिर्फ दो इंडिकेशंस की बात करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप और किसी कैरियर के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस चीज़ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक और SSC वगैरह की तैयारी करते हैं, ISPCS की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि बैंकिंग के क्या लक्षण हैं और आपके
लेकिन एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, कि जो लोग जैसे बहुत से लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो इंडिकेशंस उनके हाथ में नहीं है तो बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो, ये ना सोचें कि हमारे हाथ में इंडिकेशन ही नहीं है तो हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तैयारी कीजिए, रेमेडीज़ बताऊँगा मैं आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ISPCS की तरफ तैयारी अभी कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी के हाथ में अगर उनको लगता है कि यार मेरा जुपिटर कमज़ोर है या मेरा सूर्य कमज़ोर है, तो आप उनकी रेमेडीज़ करिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग रहेंगी तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी नौकरी में। रेमेडीज़ के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उसे कमेंट कर दीजिए या मेल कर दीजिए, जितने भी जैसा होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वैसे बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज़ होती हैं इनकी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए इसको अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपका हाथ चेक करूं, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप मेल कर सकते हैं patnagarabhi2411@gmail.com पर, 9481848845088 96238253825 पर व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा, और क्योंकि मोस्ट नंबर्स आर बंद रहते हैं दोनों नंबर, तो आप उन पर हमें कॉल ना करें तो अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो सारे एनालिसिस हमारे पेड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वैसे बने रहिए मेरे साथ, और बहुत सारी वीडियोस अभी लाइंड अप हो रही हैं। अगले वीडियो में आपको और इंडिकेशंस के बारे में बताऊंगा। मेल कर सकते हैं आप अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है वीडियो से रिलेटेड, या आपको लग रहा है कि आपने वाली इंडिकेशन हमको बताई थी ये समझ में नहीं आ रही, तो वो मैं डाउट आपका क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं और अगर आप उससे एनालिसिस कराते हैं तो उसकी निश्चित फीस आपको देनी होगी। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह अपना आशीर्वाद देते रहिए।